करांगा लेकिन जायज पर करांगा लिखण दे वो फैक्ट्री साहब ने लिख कर लंदे हां ठीक है ना ना ये जायज हो रही है ओए नहीं क्या ये कोई बात नहीं। झुझर के गांव बाबरा में गांव के विकास कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन बैठक देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गई। सरपंच साधना देवी और ग्राम पंचायत मेंबर वेदपाल के बीच विकास कार्यों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न करने को लेकर कहासुनी हुई। फिर अचानक सरपंच साधना ने ग्राम पंचायत मेंबर वेदपाल के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस घटना से आहत होकर ग्राम पंचायत मेंबर वेदपाल और बाबरा गांव के ग्रामीण सरपंच साधना के खिलाफ सदर थाने में शिकायत देने पहुंचे। ग्राम पंचायत मेंबर वेदपाल का क्या कुछ कहना है सुनिए। मामला ये हुआ था, आज ग्राम पंचायत की मीटिंग चल रही थी सामुदायिक केंद्र शिव मंदिर में, और वहाँ पे सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, सरपंच और सरपंच का पति और जो मौजूदा मेंबर थे उनके सामने वो एक पंचायती दबाव बनाना चाह रहे थे कि साइन कर इस मैटर पे। तो मैं बोला साइन तो कर दूंगा मैं, लेकिन साइन करूंगा तो क्या नाम है, जायज चीज़ पे करूंगा ना। वो कहती है वीडियो, मैंने उसकी वीडियो क्लिप भी बना रखी है, तो वो कह रही थी कि नहीं कर, जायज हो चाहे ना जायज हो साइन कर। मैंने बोला मैं साइन नहीं करता ऐसे, मैं जायज पे करूंगा। और तभी उसी टाइम पे सरपंच प्रतिनिधि ने क्या नाम है मेरे को गाल पे थप्पड़ मार डाला, और उसने क्या नाम है धमकी भी दी है कि भाई ये है मैं वो करवा। गाँव के लोग भी परेशान पा रखे हैं उससे, और वो धमकी देता है हर लोगों को, धनखड़ के नाम की धमकी देता है वो। ये कल हमें जो पुलिस स्टेशन सदर जज्जर है उसमें शिकायत प्राप्त हुई है, जिसको जांच जिसकी जारी है, और जांच उपरांत जो मामला आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत मेंबर वेदपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक बड़े नेता का सिर पर हाथ होने के कारण लगातार सरपंच पति द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। हमारी मांग है कि सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मामले को लेकर डीएसपी शमशेर सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। सत्य खबर के लिए झज्जर से जगदीप राजजान की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।